यार हरकुल जाके तक लो यार। अस्सलाम वालेकुम रहमतान साथियों, क्या हाल चाल? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे और अपनी जगह पे अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और आज भाई मतीन उधर गांव से वापस इधर लाहौर आ रहे हैं क्योंकि मंडे को उनकी सुबह टाइम फ्लाइट है, सऊदी अरब जा रहे हैं। साथियों एक और डब रिकॉर्ड करने लगा हूँ मैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो भी इसी व्लॉग में ऐड नहीं करना, लेकिन नेक्स्ट आने वाला वो व्लॉग स्पेशल होने वाला है इंशाल्लाह, वो लाजमी देखिएगा। ये चेक करें उसकी तैयारी के लिए। तो चलो मिलते हैं गेटअप में आके। तो गेटअप में आ चुका हूं मैं बता रहा हूं कि बहुत स्पेशल होने वाला, मजेदार होने वाला, एंजॉय करेंगे। तो लाजमी देखिएगा नेक्स्ट व्लॉग। स्टार्ट करते हैं टुमारो। और आज संडे शरीफ है और भाई आए हुए हैं गांव से इधर। कल इनकी सऊदी अरब की फ्लाइट है, ये पाकिस्तान को बाय बाय कर रहे हैं हमसे, ये मगरो लख रहे हैं। बात अभी कुछ खाने आए हैं स्पाइसी, फिर आगे शायद टलिंटन मार्केट जाएं। टलिंटन मार्केट में एक बिल्ली का पता करना है, कोई अच्छी सी अगर बिल्ली सस्ती सी अच्छी सी मिल गई ना तो वो भी उठा लेनी है उधर से। भैया आपने तो नहीं ना कुछ खाना? खाने के लिए आए हैं, खाने के लिए। ये भूखा ही रहता है घर में, मुझे कह रहा है मुझे भूख नहीं, बाहर आते ही मुझे कहता है कि यार मैंने कुछ खाना है। भाई ऐसे क्यों बैठे हो जैसे किसी ने जबरदस्ती उठाया हुआ है? मैंने क्यों ऐसा बैठा भैया? जबरदस्ती बैठ ऐसे ही है जी। भाई की उर्दू चेक करे यार, भाई जरा उर्दू भी बोल लो मुझे क्या बोलो। भाई को उर्दू मालूम नहीं है। आज से पहले भी हमने ये शुरू किया था लेकिन ना पहले चैलेंज नहीं था, लेकिन आज से चैलेंज। एक महीने तक हम, मैं और भाई मतीन आपस में उर्दू में बात करेंगे, जिसने उर्दू में बात नहीं की उसको पेनल्टी होगी। तो भाई क्या कहना है आपका? मैंने क्या कहना है, इंशाल्लाह मैं जीतूंगा। ये चेक करें भाई, अपनी बाजू को मसल रहे हैं ना इधर, इनको मेरे से मुक्का पड़ा क्योंकि इन्होंने मेरे साथ पंजाबी बोली थी। एक और मुक्का पड़ा इन्हें। ये मुझसे जबरदस्ती पंजाबी बुला रहे हैं, बार बार झूठ बोलो। ये चेक करें स्पेशल स्पेशल वाला, इनका जो स्पेशल वाला है ना शवारमा, मजेदार, बगैर खाई लग रहा है मजेदार। आप अपने तुखने ना दें अंदर, मजेदार। ये तुखने उर्दू का लफ्ज आपको नहीं पता? बताओ जरा। ये बता देना, ये तब तक सऊदी अरब जा चुका होगा। तो बस कहीं खा लिया था, पेट भर के खा लिया, अब और नहीं खाया जा रहा था, तो बस ये थोड़ा सा पिज्ज़ा बचा था वो पैक करवा लिए, तो बाद में खा लेंगे या घर ले जाएंगे। और अभी असर की बात करो तो नमाज पढ़ के सीधा निकलते हैं टर्मिनल मार्केट। मुझे तो कोई इतना अंदाज़ा नहीं है इसका। वो चेक करें आके एक बैठ गई, बहुत जबरदस्त है, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। तो खैर गाइस मैं ले आया हूँ बिल्ली। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह किटन किटन ले आए,
बहुत मुश्किल तकरीबन असर के बाद गए थे, असर की नमाज भी रास्ते में ही पड़ी थी, जा ही रहे थे, और इशा से अभी मतलब इशा की अजानें हो रही हैं और अभी पहुँचे हैं घर में 5-10 मिनटों में। तो बहुत मुश्किल से ढूंढा है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मिल गया, एक्टिव मिल गया और बहुत ज़बरदस्त था। अभी एक्सप्लोर कर रहा है घर में, खेल रहा है, मतलब कभी बेड के नीचे जाता है, कभी चेयर्स के नीचे, कभी छलांगे वगैरह मार रहा है, अभी एक्सप्लोर कर रहा है जगह नई जगह को। तो इंशाल्लाह बाकी उसके लिए नई चीज़ें वगैरह भी लेके आएंगे, खाने वाली और पानी डालने वाली और जो भी इसके लिए इसकी चीज़ें वगैरह होती हैं वो इंशाल्लाह लेके आएंगे। और इसका नाम आप मुझे कमेंट में लाजमी बताएं कि इसका क्या नाम रखा जाए, तो फिर इंशाल्लाह जो हमें अच्छा लगेगा उन कमेंट में से या मुझे जो अच्छा लगेगा वो मैं आपको बताऊंगा, तो इंशाल्लाह फिर वो नाम भी रखेंगे। और मिलते हैं एक नए व्लॉग में एक नई उम्मीद और एक नए जज्बे के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज। मानो तोड़ दिया उसने तो। कुल जाके दखला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले जन्नत किसी चीज़ पर हसरत नहीं करेंगे सिवाय इस घड़ी के जो अल्लाह के जिक्र के गाफिल गुजरी हो।